स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल पे। आज हम लोग जिस चीज़ को देखने के लिए जा रहे हैं वो फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्ज़ाम में जनरली ऐसे क्वेश्चन जो है जनरली आते ही हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हम लोगों को क्वेश्चन बोला जा रहा है इसमें, वो बोल रहा है कि टू लैंप्स के दो लैंप हैं, इनमें एक का रेटिंग है 100 वॉट और दूसरे का रेटिंग है 220 और दूसरे का रेटिंग है 200 वॉट। रेटिंग और हम लोगों को वोल्टेज दिया गया है एक का, इसका मतलब कि हमें पहले का जो रेटिंग है P1 दिया हुआ है 100 वॉट, ये वोल्टेज है, और इसका जो वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट। जो P2 है वो दिया गया है 200 वॉट, और जो वोल्टेज यानी कि जो V2 है वो है 220 वोल्ट। हमें कह रहा है क्वेश्चन कि इसे सबसे पहले सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं और फिर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो इन दोनों के केस में जब हम लोग उसे सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं और पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं 220 वोल्ट के इलेक्ट्रिकल मेन सप्लाई से, तो प्रत्येक केस में हम लोगों को करंट का अमाउंट पता करना है कि प्रत्येक केस में करंट का अमाउंट कितना कितना होगा। सबसे पहला बात है कि यदि हम लोगों को डायरेक्टली करंट का अमाउंट पूछा जाता कि 100 वोल्टेज का जो बल्ब है यदि 220 वोल्ट के मेन सप्लाई से जोड़ दे रहे हैं तो वो कितना करंट का यूटिलाइजेशन करेगा, तो ऐसे केसेस में हम लोगों से P = VI से निकाल सकते थे। लेकिन चूंकि हम लोगों को यहाँ पे कह रहा है कि दो बल्ब है जिसे पहले सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो करंट कितना होगा, फिर यदि पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो करंट कितना होगा, ऐसे केसेस पे हम लोगों को दोनों का जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस ऑफ बोथ द बल्ब्स, उन सभी को निकालना पड़ेगा। यदि हम उनको निकाल लेते हैं तो सीरीज में हम लोगों को फिर कनेक्ट करने में आसानी पड़ेगी और पैरेलल में कनेक्ट करने पर आसानी पड़ेगी। तो चलिए उसे निकालते हैं। हम लोग जानते हैं कि सिंस पावर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय करंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस करंट जो है वो क्या होता है, हम लोग जानते हैं करंट इज इक्वल्स टू कि सिंस I इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो V बाय R होता है। यदि I इक्वल्स टू V बाय R होता है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं V × V / R। इसका मतलब ये हो जाएगा V² / R, दैट इज़ द पावर। अब इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला P1 के लिए सॉल्व करेंगे, तो फॉर P1 से क्या पता चलेगा, तो R1 पता चलेगा। तो R1 निकालने के लिए तो P1 इज इक्वल्स टू हमको दिया हुआ है, तो इसके लिए यदि R1 निकालना हो तो हम लोग करेंगे V² / P। V² कितना, तो 220 वोल्ट का होल स्क्वायर मीन्स 220 × 220 / पावर। अभी पावर हम लोगों को इसमें दिया गया था 100 वोल्टेज का, 10 and 10 गॉट कैंसल। 22 को यदि 22 से हम लोग मल्टीप्लाई करें देन द वैल्यू विच कम्स टू बी 484। इट मीन्स दैट कि जो रेजिस्टेंस R1 है वो 484 ओम का है। अब हम लोग निकालते हैं P2 के लिए, तो फॉर P2 के लिए क्या निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं कि R2 निकलेगा। R2 को भी वैसे निकालेंगे V² / P2। V² तो उसको भी जो जोड़े हैं वो 220 वोल्ट के मेन सप्लाई से जोड़े हैं, तो 220 वोल्ट का मेन सप्लाई है तो 220 × 220 / P2। तो जो पावर टू सोर्स है वो है 200 वाट का, तो हम लोग यहाँ पे इसको 200 वाट को यूज़ कर लेंगे। 10 and 10 गॉट कैंसिल, 22 × 11, देन वी नो दैट 22 × 11 विल बी इक्वल्स टू 242 ओम। अब हम लोगों को R1 और R2 पता चल गया है, अब क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे, व्हेन R1 एंड
आर टू आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब हम लोग आर वन को और आर टू को किस में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे। जब आर वन और आर टू को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि द आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू। मीन्स कि हम लोगों के पास था 484 और 242। 484 प्लस 242 ऐड करेंगे, 4 एंड 2 6, 8 4 12 2 हाथ में रहा 1, 4 2 6 और 1 726 ओम। हम लोगों के पास सर्किट अभी कैसा होगा? हम लोगों के पास जो सर्किट होगा उस सर्किट में हम लोग एक रेजिस्टेंस देखेंगे, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखेंगे इस जगह पर, और इन दोनों को हम लोग कनेक्ट करेंगे 220 वोल्ट के सोर्स के साथ विथ अ प्लग की। यहाँ पे प्लग की है 220 वोल्ट। हम लोग एक 484 ओम का आर वन लिए हैं और ये 242 ओम का। जब हम लोग आर इक्विवेलेंट निकाले तो हम लोगों को ये जो सर्किट मिला वो चेंज हो गया। चेंज किस तरीके से होगा? तो अभी हम लोगों के पास जो सर्किट बन जाएगा, ये सर्किट हो जाएगा कुछ ऐसा। यहाँ पे प्लग की है 220 वोल्ट का सोर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, करंट इज गोइंग। ये हम लोगों को 726 ओम का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया है। अब हम लोगों को करंट निकालना है तो हम लोग जानते हैं बाय ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R। इसका मतलब I इक्वल्स टू 220 डिवाइडेड बाय 726। जब 220 को 726 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो होगा 0.303 एम्पियर। ये तो केस आया उस समय जिस समय हम लोग दोनों जो बल्ब हैं उनको सीरीज में कनेक्ट किए थे। अब हमारे पास और एक सिचुएशन है। वो सिचुएशन क्या है? हम लोगों को क्वेश्चन में पहले बोल ही रहा था कि हमें सबसे पहले उसे सीरीज में कनेक्ट करना है और फिर बाद में उसे पैरेलल में कनेक्ट करना है और फिर दोनों के केस में जितना करंट आएगा वो निकालना है। तो सीरीज में जब हम लोग कनेक्ट किए तो हम लोगों को पता चला कि जितना करंट मिल रहा है वो करंट का अमाउंट कितना है। तो सीरीज करंट इन सीरीज इसका वैल्यू है 0.303 एम्पियर आया। अभी हम लोग पैरेलल में निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग जो है जो हम लोगों के पास अभी कंडक्टर दिया हुआ है उन कंडक्टर का रेजिस्टेंस को हमें पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उन्हें हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट किए तो हमारे पास जो सर्किट होगा ये सर्किट हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको हम लोग कनेक्ट किए 220 वोल्ट के
मेन सप्लाई से विथ अ प्लग की पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, इट इज़ 220 वोल्ट, ये हम लोगों का प्लग की है। करंट ऐसे बट जाएगा I1 और I2। यहाँ पे जो हम लोगों को रेजिस्टेंस का अमाउंट दिया गया था, वो रेजिस्टेंस का अमाउंट कितना कितना था, तो 484 और 242। तो एक है 484 ओम और नीचे वाला है 242 ओम। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे पैरेलल पे। हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल में होता है वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2। ये हो जाएगा 1/484 प्लस 1/242। एलसीएम लेंगे 484 का और 242 का। जब 484 और 242 का एलसीएम लेंगे तो सिंपली हम इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एलसीएम। हालांकि एलसीएम लेना आसान पड़ेगा मल्टीप्लाई से। 117, 128, अब क्रॉस कर देंगे 242, 484, 242 और 484 को ऐड करेंगे, जैसा कि अभी कुछ देर पहले हम लोग ऐड किए थे सीरीज में। 726/117128, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल 117128 डिवाइडेड बाय 726 हो जाएगा। तो 117128 को हम लोग डिवाइड करेंगे 726 से, द वैल्यू विच विल कम इज 161.33 ओम। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। अब हम लोग जानते हैं बाय ओम्स लॉ I=V/R, 220 डिवाइडेड बाय 161.33। 222 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 161.33 से तो जो वैल्यू आएगा ये आएगा 1.36। इतना एम्पियर। इसका मतलब कि जब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जितना हमें करंट मिलेगा वो कितना होगा, तो 1.36 एम्पियर। तो प्रत्येक केस में हम लोग इस तरीके से करंट निकाल सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन CBSE में एक जरूर आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुनीता टेक्स अ मिरर, कि सुनीता जो है एक मिरर लेती है विच इज़ डिप्रेस्ड एट द सेंटर, जो कि सेंटर से थोड़ा सा धसा हुआ है, एंड माउंट इट ऑन अ मिरर स्टैंड, और उसको एक मिरर स्टैंड पे रख देती है। उसके पास एक मिरर का स्टैंड है तो वो मिरर स्टैंड ली, सपोज दैट एक मिरर स्टैंड है उसके पास, वो इस मिरर स्टैंड पे क्या की कि वो जो उसके पास मिरर है, जिस भी तरह का मिरर है, वो उस मिरर को इसमें प्लेस कर देती है। फिर हम लोगों को क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ हर फेस इज फॉर्म्ड, कि एक सीधा इमेज और एनलार्ज्ड इमेज उसका बन रहा होता है। अब हम लोगों को यहाँ पे सिंपल है, जो हम लोगों को क्वेश्चन बोला कि उसका जो इमेज बना वो इरेक्ट और एनलार्ज्ड बना। हम लोग जानते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है ये सिर्फ अपना एक पोजीशन पर ही क्या करता है कि इमेज को इरेक्ट बनाता है और एनलार्ज बनाता है, बाकी जितने भी पोजीशंस हैं उन सभी पोजीशंस पे वो अपना जो इमेज है वो क्या करता है कि इमेज को कॉनकेव मिरर पे कभी भी हम लोग नहीं देख सकेंगे। क्यों नहीं देख सकेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉनकेव मिरर जो है हमेशा जो इमेज बनाता है उसे हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन करते हैं एक पोजीशन को छोड़कर,
उस समय जिस समय ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस और पोल के बीच में। यदि ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा गया है तो हम लोग जानते हैं कि इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा होगा वो इमेज कैसा बनेगा, वो इमेज का जो हम लोग नेचर देखेंगे वो होगा वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड होगा, हम लोग जानते हैं। वहीं पे जो कॉन्वेक्स मिरर है, वो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है कि हर समय इमेज वर्चुअल बनाता है। हम लोग इमेज को कभी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, हम लोग मिरर पे ही इमेज देख पाएंगे। बट उसके केस में क्या है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हर टाइम ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनाता है, मतलब डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। मतलब कि ये जो आंसर, ये जो क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है, ये कॉनकेव मिरर की तरफ हमें ले जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं आगे कि क्या बोल रहा है। सी प्लेसेस द मिरर ऑन ए स्टैंड, कि वो मिरर को स्टैंड पे रखती है अलोंग अ मीटर स्केल एट 15 सेंटीमीटर मार्क, एक मीटर स्केल का यूज़ करके जिसका मार्किंग की गई है, वो मार्किंग उसका करती है मीटर स्केल से 15 सेंटीमीटर के मार्क पे। वो क्या करती है कि यहाँ पर सपोज दैट मिरर को रख दी इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर, कि उसी मिरर के सामने सी माउंट्स अ वाइट स्क्रीन, वो एक वाइट स्क्रीन रखती है। इसका मतलब इमेज को वो स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकेगी। कब कर सकेगी? जब स्क्रीन पर ऑप्टेंट कर रहे हैं तो कब करेंगे, हम लोग जानते हैं वर्चुअल इमेज को ही, सॉरी रियल इमेज को ही स्क्रीन पर ऑप्टेंट कर सकते हैं। वो क्या कर रही है कि स्क्रीन को थोड़ा सा आगे पीछे ले जा रही है, और तब तक ले जा रही है जब तक कि वो एक शार्प इमेज नहीं पा जाती है, वेल डिफाइंड इमेज नहीं पा जाती है और इन्वर्टेड इमेज नहीं पा जाती है डिस्टेंट ट्री का। स्क्रीन पे जो इमेज बनता है वो 35 सेंटीमीटर मार्क पे बन रहा है। अब क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है नेम द मिरर, कि मिरर क्या है, कौन सा मिरर है। हम लोग अभी तक कर लिए कि मिरर का जो टाइप होगा वो क्या होगा, कि मिरर जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो कॉनकेव मिरर कहेंगे। क्यों कॉनकेव मिरर कहेंगे? क्योंकि कॉनकेव मिरर है तभी एक पोजीशन पे इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज बन रहा है, और एक पोजीशन पे हम इमेज को कैसे कहाँ पा रहे हैं, तो स्क्रीन पे पा रहे हैं, बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। आगे बोल रहा है कि फोकल लेंथ क्या होगा। यदि इसका हम लोगों को फोकल लेंथ निकालना है, तो हम लोग फोकल लेंथ, सिंस स्क्रीन को 35 सेंटीमीटर पे और मीटर स्केल से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसका मतलब फोकल लेंथ विल बी द डिफरेंस ऑफ बिटवीन द टू, दैट इज 35 माइनस 15। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 5 जाएगा तो 0, 3 में से 1 जाएगा तो 2। इट मीन्स फोकल लेंथ कितना होगा, तो 20 सेंटीमीटर होगा। ये फोकल लेंथ हुआ। अब आगे पूछ रहा है कि वाई डज सुनीता गेट शार्प इमेज ऑफ द डिस्टेंट बिल्डिंग एट 35 सेंटीमीटर मार्क, कि सुनीता जो है एक शार्प इमेज क्यों पाती है, पॉइंट साइज इमेज क्यों पाती है 35 सेंटीमीटर मार्क पे। तो होगा क्या कि डिस्टेंट से आता हुआ जो रेज होंगे, जो रेज आ रहे हैं वो सभी पैरेलल होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। हम लोग जानते हैं कि व्हेन द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन दे कन्वर्ज एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो इसका मतलब क्या कि रेज जो होंगे वो फोकस पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, इसी कारण से इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, तो एट 35 सेंटीमीटर मार्क पे हो रहा है। हम लोग इसीलिए इस चीज़ को देख रहे हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का उस मिरर के लिए कहाँ पे रखा गया है, कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को उस मिरर के लिए, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, और इसी कारण से वो अपना शार्प इमेज बना रहा है। कहाँ बना रहा है, तो फोकस पे बना रहा है। दैट्स वाई हम लोग उस सुनीता जो है वो क्या करती है कि उस ट्री का या फिर उस बिल्डिंग का एक शार्प इमेज पाती है। इस तरह के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि CBSE ने इस बार जो है ऐलान किया है कि 2021 के बोर्ड में, दैट इज़ द ऑनगोइंग सेशन ऑफ 2020 एंड 2021, है ना, इस सेशन में केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से कुछ कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है।